तुला राशि वालों, कौन सा खाए फल और किसका करे दान, ताकि बनते जाए आपके सभी बिगड़े काम। जय शनिदेव। प्रिय भक्तगणों, इस धरती पर ना केवल मनुष्य बल्कि पशु पक्षी, जीव जंतु, फल सब्जी, फूल पौधे, सभी चीजें ग्रहों से प्रभावित होती हैं। लाखों करोड़ों किलोमीटर दूर बैठे सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि और राहु केतु, जिन्हें हम छाया भी कहते हैं, इन्हें सबकी ब्रह्मांडीय ऊर्जा यानी कि कॉस्मिक एनर्जी हम सबके जीवन को प्रभावित करती है। हमारे कर्मों अनुसार हमें शुभ या अशुभ फल प्रदान करती है। यहाँ तक कि जब जब भगवान ने इस पृथ्वी पर जन्म लिया, उनको भी इन ग्रहों से प्रभावित होना पड़ा है। अवतारण्यनेकानि आजस्य परमात्मनः जीवानां कर्म फल दोः ग्रह रूपी जनार्दनः। बृहत् पराशर होरा शास्त्र, इसमें कहा गया है कि जब भगवान विष्णु ने इस पृथ्वी पर दशम अवतार लिए, 10 अवतार लिए, तो उन्हें भी इन ग्रहों से ही प्रभावित होना पड़ा। भगवान श्री राम ने जब अवतार लिया तो सूर्य देव से यानी सूर्य ग्रह से वो प्रभावित थे। भगवान श्री कृष्ण का जब प्राकट्य हुआ था तो वो चंद्र ग्रह से प्रभावित थे। जब नरसिंह भगवान आए तो मंगल ग्रह से वो प्रभावित थे। बुद्ध से प्रभावित हुए गौतम बुद्ध, जिन्होंने पूरे विश्व में शांति का संदेश दिया। गुरु ग्रह से प्रभावित हुए वामन भगवान, जिन्होंने 3 पग में ही पूरी पृथ्वी और 3 लोकों को नाप दिया था और राजा बलि को पाताल भेजा। शुक्र ग्रह से प्रभावित हुए परशुराम जी। शनि ग्रह से प्रभावित थे कूर्मा अवतार यानी भगवान के कच्छप अवतार। राहु से वरहा और केतु से मत्स्य रूप धारण किए यानी कि मछली का रूप धारण किए। तो केवल मनुष्य नहीं, भगवान भी जब जब इस पृथ्वी पर जन्म लेते हैं लेंगे, वो भी इन ग्रहों से प्रभावित होंगे ही होंगे। जैसे बिजली हमें दिखाई नहीं देती है लेकिन 2400 घंटे वो बह रही है, उसी प्रकार से ये जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा है, इन ग्रहों की ऊर्जा है, ये भी हमें दिखाई नहीं देती है लेकिन ये हम सबको प्रभावित करती है। इसी कारण मैं गुरु मारुकमणि, आपकी गुरु, आपकी माँ, आपकी गाइड, आपको इन ग्रहों के तत्वों के बारे में बताती हूँ और राशि अनुसार वो सामग्री बताती रहती हूँ, ताकि आप सभी अपने ग्रहों के संबंधित सामग्री को समझ सकें। पिछले कुछ राशि सीरीज में मैंने आपको बताया था कि आप कैसे अपने कपड़ों का रंग बदल के अपने धन को प्रभावित कर सकते हैं। पीछे मैंने आपको ये भी बताया कि नहाने के पानी में रोजाना क्या मिला के स्नान करने से जीवन में सौभाग्य आता है। ये भी मैंने आपको बताया कि कौन सी पेड़ को जल आपको हफ्ते में एक बार जरूर देना चाहिए, ताकि आपके अंदर की ऊर्जा बनी रहे, सौभाग्य आपके साथ बना रहे। और ऐसे ही बहुत सारी सीरीज, बहुत सारे टॉपिक मैंने आपको हमारे चैनल गुरु रजनीश ऋषि जी पर दिए हैं, जहां आज 20 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हमारे साथ जुड़ गए हैं। अगर आप नए हैं, आपने ये सीरीज नहीं देखी है, तो आपसे कहूंगी इन सीरीज को एक बार अवश्य देखें। और ऐसे ही बहुत सारे ज्ञानवर्धक टॉपिक मैंने दिए हैं, उन सबको अपनी राशि अनुसार जरूर देखें, क्योंकि ये जो चैनल है बहुत यूनिक है। ये जो ज्ञान मैं आपको दे रही हूँ, ये किसी किताब में आपको नहीं मिलेगा, किसी इंटरनेट पे आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि ये केवल और केवल तजुर्बे से, एक्सपीरियंस से आया है। हमारे गुरुजी गुरु रजनीश ऋषि जी के 30 वर्षों का ये अनुभव है और मेरे 10 वर्षों की जो प्रैक्टिस है उसका अनुभव है। उसके निचोड़ से ये चीजें मैं आपको बताती हूँ, जो कहीं किसी और चैनल पे आपको मिल ही नहीं सकती। और आपकी माँ हूँ तो जानती हूँ इस महंगाई के समय में अपने घर को चलाना कितना मुश्किल है। इसीलिए वो छोटे छोटे उपाय आपको बताती हूँ, जिससे बिना खर्च के या बहुत कम खर्च के आप अपने सौभाग्य को जगा सकते हैं, अपनी किस्मत को बुलंदियों तक पहुंचा सकते हैं। और इसी श्रृंखला में आज आपको बताने के लिए आई हूँ कि कौन सा फल खाने से न केवल आप अपनी सेहत बना सकते हैं बल्कि अपने ग्रह दोषों को भी दूर कर सकते हैं, कौन से फलों को आपको दान करना चाहिए, ये सारी बातें आज जानेंगे। तो मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक अवश्य ही बने रहें। हर फल अलग अलग ग्रहों का प्रतिनिधित्व करता है।
आप जिस ग्रह के फल को अधिक खाते हैं उसी की ऊर्जा आपके अंदर ज्यादा आती है और उसी ग्रह से आप ज्यादा प्रभावित होते हैं। अपनी राशि के अनुसार फल खाने से और उसका दान करने से आप ज्यादा एनर्जेटिक और ऊर्जावान बनते हैं। आपकी जो बॉडी है जल्दी रिचार्ज होती है, थकान कम महसूस होती है, दिमाग तेज चलता है, साथ ही आपके ग्रह जो दोष होते हैं वो भी दूर होते हैं और राशि के स्वामी के जो फल होते हैं वो शीघ्र ही आपके जीवन में आपको मिलने लगते हैं। तो चलिए जानते हैं कौन सा फल देगा आपको शुभ फल, करेगा आपकी मुश्किलों का हल और बदलेगा आपका आने वाला कल। ग्रहों की बात गुरु माँ के साथ। अगर आपकी राशि तुला राशि है यानी कि लिब्रा राशि है तो आपके जो लकी फ्रूट्स हैं वो है गन्ना यानी कि शुगर केन, संतरा यानी कि ऑरेंज, अंगूर यानी कि ग्रेप्स, अनार यानी कि पोमीग्रेनेट। और ये जो फल मैंने आपको बताए हैं अगर आपको ये पसंद है तो अवश्य ही आप एक भाग्यशाली व्यक्ति हैं, आप पर माता लक्ष्मी की विशेष कृपा है। और जिन लोगों को ये रस वाले फल बहुत पसंद होते हैं उनका भाग्य बहुत बलवान होता है, माता लक्ष्मी की उन पे सदा कृपा बनी रहती है, उनके जीवन में सुख शांति भी अवश्य आती है, ऐसे लोग मिलनसार होते हैं, दूसरों को खुश रखते हैं, ये कभी भी किसी का बुरा सोचते नहीं है ना ही करते हैं। इनका आकर्षण हमेशा ही सुंदरता के प्रति बना रहता है, कला के प्रति भी बना रहता है। ये अपने जीवन में, अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने कॉलेज में, अपने स्कूल में या अपने ऑफिस में या पूरी दुनिया में भी लोकप्रिय हो सकते हैं। इनका नाम सम्मान अवश्य होता है, लोग इनको इनकी खूबसूरती के लिए, इनकी अच्छाई के लिए, इनके खुश मिजाजी के लिए इनको जानते हैं। अब आपको आपका जो लकी फ्रूट है, फल है, उसके खाने का सही तरीका मैं आपको बता रही हूँ। आप कहेंगे गुरु माँ इसमें कौन सा सही तरीका है, धो काटो और खाओ। पर भैया मेरा तो थोड़ा अलग ही तरीका है, उसे सुन लो, उसे समझ लो, ताकि जो फल खाते हो उससे ग्रहों का भी सुधार हो जाए। जब भी आप अपने घर में फल लेके आते हैं उसे अवश्य ही अपने इष्ट देवता को भोग लगाएं। आप अगर आसपास कोई नवग्रह मंदिर है तो उस समय भी भोग लगा सकते हैं, वो भी बहुत उत्तम रहता है। एक हिस्सा किसी गरीब को अवश्य ही दान करें, फिर ही आप उसे ग्रहण करें। अगर आपके आसपास नवग्रह मंदिर नहीं है, घर में फोटो लगा सके नवग्रह देवता का तो उनको अर्पित करके खाएं। वो भी ना कर सके तो जो भी आपके इष्ट है, जिनको भी आप मानते हैं, या अगर मंदिर में आपके कोई इष्ट देवता नहीं है या आपको मालूम नहीं है आपके इष्ट कौन है तो हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो आप देख सकते हैं, उसमें हमने बताया है राशि अनुसार किसकी पूजा आपको करनी चाहिए। आप अपने घर के मंदिर में भी भोग लगा सकते हैं, लेकिन भोग लगाए बिना बिल्कुल भी फल को ना खाएं। एक और बात का ध्यान रखिए, बहुत से लोग घर में फल लेकर के आते हैं और भोग लगाते हैं तो एक एक फल को भोग लगा के तभी खाते हैं। मेरा अर्थ ये नहीं है कि आपको भगवान को हर फल का भोग लगाना है। मान लो एक किलो फल आप लेकर के आए, उसमें से एक फल आपने किसी गरीब के नाम पे निकाल दिया कि जब वो गरीब मिलेगा या कोई आएगा तो आप उसको दे देंगे, और फिर आपने उसे भगवान को भोग लगा दिया। जब मैंने संन्यास ग्रहण किया था और अपने घर को त्याग करके एकांतवास में मैं आई तो हमारे बिल्कुल मंदिर के पास एक महिला रहती है। वैसे तो वो रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिसर है, कस्टम एक्साइज डिपार्टमेंट में ऑफिसर थी, अब वो रिटायर हो चुकी है। तो जैसे ही जिस दिन से उन्हें पता चला कि मैं यहाँ आई हूँ, उन्होंने एक नियम बना लिया था, वो अपने घर में कुछ भी लाती सबसे पहले गुरु माँ को भोग लगाने के लिए जरूर लाती या मंदिर में भोग लगाने के लिए जरूर लाती, और जब तक कि मैं खा नहीं लेती उनको चैन नहीं होता था, वो मुझे बिठा के खिला के फिर ही जाती थी। एक बहुत अच्छा तरीका है। आपके आसपास यदि कोई संत है तो उनको भी अवश्य खिलाए, मंदिर है तो उसमें एक भाग दे, और अपने घर के मंदिर में भी भोग लगा सकते हैं, किसी गरीब के लिए जरूर निकाले और फिर ही उसको ग्रहण करें। अगर मान लो हर फल जो भी आप घर में ला रहे हैं, क्योंकि समझती हूँ बहुत सारे फल महंगे भी होते हैं, तो सभी फलों का दान ना कर सके तो आप इतना भी कर सकते हैं, मान लो सीजन में पहली बार आप किसी चीज को लेके आए, जैसे आम तो सीजनल होता है, ऋतु में ही आता है, तो जब गर्मियों में ये फल आया पहली बार उसका अच्छे से दान कर दो
उसके बाद खाना शुरू करो। अगर रोजाना दान नहीं निकाल सकते वो भी पर्याप्त है, आपने स्वयं ग्रहण करने से पहले किसी और को दिया। ये भी बहुत सुंदर बात है, इससे अवश्य ही बृहस्पति देवता प्रसन्न होंगे और आपको शुभ फल जरूर देंगे। जीवन में बरकत आएगी, उन्नति आएगी। ऐसे जो फल होते हैं ना, वो केवल तन को नहीं लगते हैं, मन को भी लगते हैं, कर्म को भी लगते हैं। इसीलिए इसी प्रकार से अपना लकी फ्रूट खाएं और एक छोटा सा काम मेरे लिए भी करें। मैं चाहूंगी कि आप सभी अपनी राशि नीचे कमेंट में लिखें और कौन सा फल खाना आपको प्रिय है ये भी लिखें। ये एस्ट्रोलॉजी के लिए, ज्योतिष के लिए एक रिसर्च बुक है। मैंने अपने 10 वर्षों के अनुभव में जितना कुछ सीखा फलों के विषय में, वो इस वीडियो सीरीज में आपको दे रही हूँ। लेकिन मैं जानती हूँ इससे बहुत ज्यादा अभी इसमें रिसर्च किया जा सकता है, तो इस अनुसंधान में मेरा सहयोग करें और नीचे कमेंट में अपनी राशि लिखें और कौन सा फल आपको सबसे ज्यादा प्रिय है ये लिखें। अब मैं आपको वो तरीका बताने जा रही हूँ जिससे अपने लकी फल को आप अपने लिए और भी भाग्यशाली बना सकते हैं, उसे मंत्र सिद्ध करके। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, अगर किसी एक विशेष मंत्र से आप इसे सिद्ध करके खाएंगे तो इसका जो फल है वो कई गुना बढ़ जाएगा, सेहत भी बहुत सारी देगा और आपको नाम सम्मान यश कीर्ति वैभव ये भी बहुत सारा देगा। क्या हुआ, मंत्र सिद्धि के बारे में ज्यादा विश्वास नहीं हो रहा? चलिए आपको एक कथा सुनाती हूँ, मंत्र सिद्धि कितनी कारगर होती है, कैसे काम करती है और आज तक हमारे प्राचीन भारत में कैसे काम करती रही है, न जाने कितने लोगों का जीवन इसने बदला है। चलिए एक छोटी सी कथा सुनाती हूँ, उसके बाद वो मंत्र बताऊंगी जिससे सिद्ध करके अगर आप अपने फल को खाएंगे तुला राशि वालों तो अवश्य ही आपको लाभ होगा। उज्जैन राज में एक राजा राज किया करते थे, नाम था उनका भर्तृहरि। विद्वान राजा थे, उन्होंने कई किताबें भी लिखी थी, श्रृंगार शतक और नीति शतक ये किताबें इन्होंने लिखी थी। इनका मन जो था वो स्त्रियों में, भोग विलास की संपत्ति में खूब रमता था, खूब आनंद रखते थे। कई सारी इनकी पत्नियां थी, फिर बाद में इन्होंने एक और स्त्री से विवाह किया, नाम था उनका पिंगला। मुख्य महारानी इनको बनाया और सबसे ज्यादा प्रेम राजा भर्तृहरि अपनी रानी पिंगला से ही करते थे। लेकिन पिंगला जो थी वो चरित्र की अच्छी नहीं थी। एक दिन राजा के जो भाई थे राजा विक्रमादित्य, इनको महारानी के विषय में कुछ बातें ज्ञात हुई, लेकिन कैसे इसका सुधार किया जाए क्योंकि ये चीज बहुत खतरनाक होने लगी थी। रानी होते हुए ये आचरण करना बहुत ही बुरा था, क्योंकि यदि रानी ऐसा आचरण करती है या राजा कोई गलत आचरण करता है तो पूरा समाज उस समय प्रभावित होता था। आज की डेट में जैसे आप नौजवान सेलिब्रिटीज को मानते हो या उनको अपना आइडल मानते हो कि जो बॉलीवुड में या हॉलीवुड में काम करते हैं उनको अपना आइडल मानते हैं, एक्टर एक्ट्रेसेस को, उस जमाने में वो जो समय था उसके अंदर राजा को माना जाता था कि यही हमारे आइडल है। तो राजा रानी जिस प्रकार से आप व्यवहार किया करते थे उसी प्रकार से समाज भी व्यवहार किया करता था। तो राजा के छोटे भाई ने देखा कि रानी जो है वो गलत कार्य में लग गई है और ये समाज के हित में बिल्कुल भी नहीं है, तो अब कैसे किया जाए। उन्होंने कोशिश की राजा को समझाने की, लेकिन राजा ने उनकी बात पे विश्वास नहीं किया और अपने ही भाई को उन्होंने राज निकाला दे दिया, राज्य से बाहर कर दिया। वहां एक मंत्री हुआ करते थे, दोनों के ही मित्र थे, राजा के भी उनके भाई के भी। जब उन्होंने देखा कि ऐसी कोई समस्या आ रही है तो उन्होंने एक महापुरुष को अपने राज्य में निमंत्रण दिया। वो जो साधु सन्यासी थे वो वहां आए, उनको सारी बात बताई गई और वो राजा के पास गए। राजा भर्तृहरि के पास जाकर के वो बोले कि ये एक आम आपके लिए राजन में लाया। राजा इस बात को सुनते ही हंसने लगे, अरे इतना बड़ा मैं राजा, ये साधु, आप मुझसे कुछ मांगो, आप देने भी आए तो एक छोटा सा आम। राजा ने कहा कि जो आम है ये एक विशेष आम है, ये कोई साधारण फल नहीं है। हे राजन, इसे मैंने मंत्रों से अभिमंत्रित किया है, मंत्र सिद्ध फल है और वो भी मैंने उन मंत्रों से इसे सिद्ध किया है कि जो भी इसे खाएगा वो सदा ही जवान रहेगा, युवा बना रहेगा। राजा उस फल को देख के बहुत प्रसन्न हुए, साधु सन्यासी को दक्षिणा दी, उनके पैर छुए और उस फल को अपने पास रख लिया।
अब सोचने लगे इसका क्या करूं। मैं तो सबसे ज्यादा इस संसार में किसी से प्यार करता हूं तो वो है रानी पिंगला। अगर मैं जवान हो गया, अमर हो गया और मैं मरा नहीं, बूढ़ा नहीं हुआ और रानी बूढ़ी हो गई तो मुझे बहुत दुख होगा। इससे बेहतर तो ये है कि ये जो फल है मैं अपनी रानी को खिला दूं, वो सदा जवान बनी रहेगी तो कितना अच्छा लगेगा मुझे। ये सोच करके राजा भर्तृहरि ने वो जो आम का मंत्र सिद्ध फल था वो अपनी रानी रानी पिंगला को दे दिया। रानी का सीक्रेट अफेयर यानी कि गुप्त संबंध जो था वो वही राजा के ही एक कर्मचारी के साथ था, एक पहरेदार से। रानी ने सोचा मैं जवान होकर के क्या करूंगी, यदि मेरा प्रियतम जवान होता है तो इससे सुंदर बात हो ही नहीं सकती। उस रानी ने वो अभिमंत्रित फल अपने प्रेमी को दिया। प्रेमी ने फल को देखा, उसे जाना, उसके जो गुण थे उसे जाना, तो उसने भी अपनी प्रेमिका एक दासी जो महल में थी उसको जाके वो फल दिया। दासी का जो संबंध था वो वही के एक मंत्री से था। उसने जाकर के ये फल जो है वो मंत्री को दिया। मंत्री ने उस फल को देखा, उसके गुण जाने, तो उसने सोचा कि इसे तो राजा को देना चाहिए, राजा प्रसन्न होंगे तो मुझे और बड़ा मंत्री बनाएंगे, मेरी प्रमोशन करेंगे। तो ये सोच करके उस मंत्री ने राजा भर्तृहरि को फिर से वो फल दिया और 24 घंटे में ही वो फल फिर से राजा भर्तृहरि के हाथ में आ गया। देखकर के उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ, ये तो मंत्र सिद्ध फल मैंने अपनी पत्नी को दिया था, ये तुम्हारे पास कैसे आया। पूरी कहानी को खोजते खोजते जब उनको मालूम पड़ा तो उनका मन बैठ गया। ये क्या हो रहा है, मैं जिस स्त्री को प्रेम करता हूँ वो किसी और को प्रेम करती है, वो जिससे प्रेम करती है वो पुरुष किसी और भी मोहित है, और वो स्त्री किसी और के साथ संबंध रखती है, इस समाज में हो क्या रहा है। ये जान करके उसी समय अपने आप को धिक्कारा और उन्होंने अपनी रानी का त्याग किया, महल का त्याग किया, सब कुछ का त्याग किया और वैराग्य लेकर के गुरु गोरखनाथ जी के शरण में गए, एक सिद्ध योगी बने और बाद में उन्होंने वैराग्य शतक की भी रचना की। और आगे न जाने उस पुस्तक को पढ़ के, उनके श्लोकों को पढ़ के कितने लोगों के जीवन में सुधार हुआ, कितने लोगों के जीवन को उन्होंने अपनी इस आध्यात्मिक यात्रा में सहयोग दिया, उनका सुधार किया, उनके जीवन में परिवर्तन लाए। वहां रानी पिंगला जब उसका सत्य सबके सामने आया, इतनी लज्जित हुई कि उसको भी सुधरना ही पड़ा। राजा विक्रमादित्य वापस अपने महल को लौट करके आए। धीरे धीरे जब राजा रानी सुधरे तो समाज में भी सुधार आया। केवल एक अभिमंत्रित फल उसने पूरे समाज को, उस समय की पूरे उज्जैन को सुधार दिया। ये जो फल है अगर अभिमंत्रित किया जाए किसी मंत्र से तो बहुत लाभ करता है। हाँ, हम भी अभिमंत्रित करते हैं चीजों को, लेकिन फल तो मैं आपको अभिमंत्रित करके नहीं दे सकती क्योंकि वो लॉन्ग लास्टिंग में नहीं है, ज्यादा लंबे समय तक नहीं चलता उसका प्रभाव। लेकिन हाँ, हम रत्नों को सिद्ध अवश्य करते हैं क्योंकि रत्नों से जब ये ऊर्जा पास होकर आपकी बॉडी में जाती है तो लंबे समय तक आपको जल्दी ही आपकी समस्याओं से निजात मिलता है। ऐसे ही मैंने आप सभी के कष्टों को दूर करने के लिए एक सर्व मनोकामना सिद्धि लॉकेट तैयार किया है स्वयं मंत्र सिद्ध करके। चलिए उसके विषय में जानते हैं और उसके बाद मैं आपको वो मंत्र बताऊंगी जिस मंत्र को उपयोग करके आप अपने घर में ही फलों को अभिमंत्रित कर सकते हैं और स्वयं उसे ग्रहण कर सकते हैं। जय शनिदेव। आप सभी की समस्या का निवारण करने के लिए अपने 10 वर्षों की साधना, तपस्या और अनुसंधान के बाद मैं गुरु महात्मणि लाई हूँ आप सबके कष्टों को दूर करने के लिए मंत्र सिद्ध सर्व मनोकामना सिद्धि लॉकेट। 9 रत्नों वाले इस लॉकेट को अपने गले में धारण करने से आपको समस्त नौ ग्रह शुभ फल प्रदान करने लगते हैं और नीचे लगी ये जो दिव्य कर्क कौड़ी है जब ये आपके शरीर को स्पर्श करती है तो ऋग्वेद की श्री सूक्त की जो ऋचाएं हैं और लक्ष्मी मंत्रों से अभिमंत्रित होने के कारण ये आपके जीवन की सभी धन संबंधी समस्याओं को दूर करती है, कर्जों से मुक्ति दिलाती है और आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि लेकर के आती है। बाजार में मिलने वाले अन्य रत्नों की अंगूठियां और लॉकेट किसी सिद्ध पुरुष द्वारा 3 दिन तक मंत्र सिद्ध, प्राण प्रतिष्ठित और जागृत नहीं होते हैं।
इसी कारण इस कलयुग में बहुत से ऐसे कम लोग हैं जिन्हें सच में रत्नों का प्रभाव महसूस होता है। हमारे द्वारा मंत्र सिद्ध रत्नों से हम 133 देशों के लोगों के जीवन में सुख शांति और समृद्धि भर रहे हैं। हमारे YouTube चैनल गुरु रजनीश ऋषि जी जिसपे आज 19 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, वहां पर जाकर के आप ऐसे चमत्कारिक रूप से लाभ प्राप्त किए हुए हजारों लोगों का वीडियो देख सकते हैं। मेरे द्वारा मंत्र सिद्ध सर्व मनोकामना सिद्धि लॉकेट को प्राप्त करने के लिए हमारे शनिपीठ मंदिर नई दिल्ली में अभी कॉल करें या हमें व्हाट्सएप करें। जय शांति। जय सीताराम जी, मैं यूएसए से अमिता शुक्ला बोल रही हूँ और मैं माता जी के संपर्क में आई करीब 5-6 महीने हो गए हैं। मेरे हस्बैंड की डेथ के बाद मैं बहुत परेशान थी, मेरे बच्चे सेटल नहीं थे, मेरा बड़ा बेटा जो मेडिकल स्कूल में जा रहा है 3rd ईयर में है और वो अपने एग्ज़ाम में क्लियर नहीं कर पा रहा था, तो उसे बहुत स्ट्रगल हो रहा था, वो कई सालों से स्ट्रगल कर रहा था अपने एग्ज़ाम्स में। तो माता जी ने उसको बताया, उसकी जन्मपत्री देखी, उसको रिंग दी कि ये रिंग पहनो, तो अभी रिंग पहनने हुए अक्टूबर से रिंग पहनी है शायद, अक्टूबर या नवंबर से, तो यानी कि अभी 2-3 महीने ही हुए होंगे रिंग पहने हुए। और उसको उसने एग्ज़ाम में बहुत अच्छे नंबर लेके आया है, मतलब यहाँ पर 70% पासिंग नंबर होते हैं, तो प्रतीक के 85-99% एक सब्जेक्ट में तो 99 आया है, बाकी में 85-88 ऐसे उसके नंबर आए हैं। जैसा माता जी ने कहा था वैसे ही हो रहा है। तो फिर मैंने अपनी भी जन्म कुंडली दिखाई, सब तरफ से परेशान थी। मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई थी, ससुराल वालों ने बिल्कुल ही हस्बैंड के जाने के बाद एकदम ही संबंध ख़त्म कर दिया, किसी तरह की कोई मदद नहीं, मेंटल सपोर्ट भी नहीं था कि फाइनेंशियल तो फॉरगेट अबाउट इट, मेंटल सपोर्ट भी नहीं था उन लोगों का। और मैं इतनी परेशान हो गई थी, सब तरफ इधर उधर मैं भटक भटक के सब पंडितों के पास जा जा के जन्मपत्री दिखा दिखा के परेशान थी। और मेरे लिए भी माता जी ने रिंग बना रही हैं और मुझे जो भी रेमेडीज पूजा पाठ बताई है वो भी मैं करती हूँ। फिर मैंने अपने छोटे बेटे की भी बनवाई, तो माता जी ने उसके छोटे बेटे के लिए भी रिंग बनवाई है। तो यानी कि मैं सब तरफ से परेशान थी कि हस्बैंड की डेथ को अभी 2 साल भी नहीं हुए हैं, तो मैं पूरी तरह से संभल भी नहीं पाई थी। और उधर बच्चे की पढ़ाई का भी मुझे बहुत टेंशन था कि मेडिकल स्कूल का इतना खर्चा है, कैसे सब होगा। तो माता जी ने तो मुझे बहुत सहारा दिया है, मतलब मेंटल सपोर्ट भी दिया, पूजा पाठ भी उन्होंने बताया और रिंग वगैरह भी दी है। तो बस आप लोगों से मेरा एक यही हाथ जोड़ के निवेदन है कि प्लीज़ आप लोग माता जी के संपर्क में रहिए और जो भी रेमेडीज़ या पूजा पाठ माता जी बताती हैं आप पूरे विश्वास से करो और ज़रूर फल देगा। माता जी के आशीर्वाद से और भगवान की कृपा से सारे काम पूरे होंगे। मैंने तो अब चिंता करना छोड़ दिया है, यहाँ तक कि मुझे रात में नींद नहीं आती थी, तो मैं तो अब आराम से सोती हूँ। मैं तो सोचती हूँ कि माता जी हैं तो मुझे कोई चिंता की बात नहीं है। तो बस आप लोगों से यही कहना है कि आप लोग माता जी के संपर्क में रहिए और जो भी पूजा पाठ या रिंग वगैरह वो बताती हैं वो आप लोग करिए। मैं बहुत पूजा पाठ करने वाली लड़की हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों मेरी पूजा पाठ कब आंसर नहीं होती थी। 5-6 सालों से मैं बहुत परेशान थी, मेरा कोई काम नहीं बनता था। फिर माता जी ने मुझे जिस तरह से बताया कि बेटा इस तरह से तुम पूजा करो, और उन्होंने जो भी मुझे मंत्र दिया, जो भी मुझे पूजा पाठ बताई, फिर मैं वैसे ही करती हूँ एकदम। माता जी को अपनी गुरु माँ मानकर मैंने उनके जैसे वो बताती आँख बंद करके मैं कर लेती हूँ। मैं उनको कुछ भी नहीं पूछती कि माता जी इसको करने से क्या होगा क्या नहीं होगा, वो कहती हैं ऐसा करो, हम बस कहते हैं जी माँ गुरु माँ, और हम कर लेते हैं और मेरा वो सारा काम बनता ही चला गया। तो जब अगर मेरा काम इतनी जल्दी बन सकता है तो बाकी जो हमारी तरह लोग हैं जो परेशान हैं उनका भी काम जरूर बनेगा। बस यही है कि आप लोग भगवान में आस्था बनाए रखिए और माता जी के संपर्क में रहिए। जय सीताराम जी।
चलिए आप उस मंत्र को जानते हैं जिससे अभिमंत्रित आप अपने फलों को घर में कर सकते हैं। तुला राशि वालों, अब मैं आपको एक मंत्र बताने जा रही हूँ। इस मंत्र से यदि आप अपने लकी फ्रूट्स को अभिमंत्रित करके खाएंगे तो ये आपके लिए और भी भाग्यशाली हो जाएंगे। इस मंत्र को करने से आपको भगवान शंकर की कृपा प्राप्त होगी, उनका आशीर्वाद प्राप्त होगा। अगर आप तुला राशि के हैं और इस मंत्र से अपने फलों को अभिमंत्रित करके खाएंगे तो अवश्य ही आपको लाभ होगा। लेकिन अगर आप तुला राशि के नहीं भी हैं तो भी अगर अभिमंत्रित करके इस मंत्र से आप फलों को खाएंगे तो आपको अवश्य ही भगवान शंकर की, भोलेनाथ की कृपा प्राप्त होगी। ओम नमः शिवाय, शुभम शुभम, गुरु गुरु शिवाय ओम। इस उपाय को अवश्य ही करें। अपने लकी फ्रूट को अपने पास रखें, उसको खाते रहें ताकि आप सेहतमंद भी बने और अपने जीवन में आप ग्रहों की ऊर्जा को भी अच्छे से ग्रहण कर पाए। इसके अलावा कोई समस्या यदि आपको है तो हमारे शनिपीठ मंदिर के नंबर्स आपकी स्क्रीन पर है, आप मुझसे या गुरुजी से संपर्क कर सकते हैं। हाँ, हमसे संपर्क करने की एक छोटी सी फीस हम लोग चार्ज करते हैं क्योंकि व्यवस्था को चलाने के लिए धन की आवश्यकता तो है। लेकिन जो लोग मुझे जानते हैं वो ये भी जानते हैं कि ये सारी फीस हम मंदिर में ही प्रयोग करते हैं। मंदिर में जो लोग सेवा करते हैं उनके घर परिवार के लिए प्रयोग करते हैं। जो गरीब लड़कियों में मैं कंप्यूटर एजुकेशन फ्री करती हूँ उसके लिए प्रयोग करते हैं। अब तो मैंने काफी सारी लड़कियों की शादी में भी डोनेशन किया है आप लोगों की तरफ से, ताकि उनकी शादी कोरोना काल में निर्विघ्न रूप से हो सके। इसी प्रकार के अच्छे काम हम करते रहते हैं। कभी प्रसाद वितरण करना, कभी फल वितरण करना, फिलहाल तो अभी नहीं कर पा रहे क्योंकि कोरोना का समस्या खड़ा हो गया है। आप सभी के लिए फ्री जनता दरबार भी लगाते हैं हर शनिवार को, अभी कोरोना की वजह से उसे भी रोकना पड़ रहा है। तो समय समय पर ये सब जो अच्छे कार्य करते हैं इन सब में आपका योगदान हो सके, इसीलिए हम आपसे ये फीस लेते हैं। क्योंकि अपने बुरे कर्म जो आपने पिछले जन्म में किए हैं उसको तो अच्छे कर्मों से ही काटा जा सकता है। और बाकी एस्ट्रोलॉजर्स की तरह केवल एक बार आपसे फीस लेके, एक बार आपकी कुंडली देके आपको टाटा बाय बाय हम नहीं करते हैं। पूरे जीवन आपकी समस्याओं का समाधान करती हूँ, आपसे जुड़ी रहती हूँ। तो अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या है या अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो नंबर आपके पास है, इसे सेव कर लीजिए। आज के इस वीडियो को यही समाप्त कर रही हूँ। आपको सभी नवग्रह देवताओं की कृपा प्राप्त हो, फल के द्वारा ऐसी ऊर्जाएं आपको प्राप्त हो ताकि अपने जीवन को बेहतर कर सके, अपनी सेहत को बेहतर कर सके। आज का आशीर्वाद दे रही हूँ, जय शनि। हमारे द्वारा बनाई गई और वीडियोस को यहाँ पर क्लिक करके आप देखते रहिए।